हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत सभी का। तो आज का जो वीडियो है जी, ब्रार को आप जानते होंगे, वाइल्ड लेंस वाले भाई हमारे बाइकर जो कि इंडिया गए थे। और इंडिया के बारे में जब वो इंडिया में गए और उन्होंने वहां पर मतलब कैसा सारा वो बताएंगे अपनी सारी दास्तान। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो, उनका पॉडकास्ट है तो जुनेद अकरम के साथ, तो वीडियो देखते हैं। इंडिया की तरफ आप इंडिया गए और जिस तरह का आपको वहाँ फीडबैक मिला और मेरी नज़र में मल्टीपल फोल्ड्स एज अपोज टू, मतलब माशाल्लाह आपको लोग काफ़ी फॉलो कर ही रहते, बट आई थिंक दिस हैड ओपन अप अ विंडो। और मुझे याद है हम मॉल ऑफ एमिरेट्स में बैठे थे जी, जब आपने मुझे बताया इंडिया का। एंड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मेरी ख्वाहिश थी एक इसराइल जाने की और एक इंडिया जाने की, वो ये कि क्योंकि इन दोनों मुल्कों के बारे में जो हमारा नज़रिया है वो थोड़ा सा तंग नज़र है और थोड़ा स्टेट ओरिएंटेड है। जो हमें मुल्क बताया गया, जो हमें किताबों में बताया गया या जो स्कूल में पढ़ाया गया वही है, और जितना आप वहाँ के बारे में देखते भी हैं वो या तो बॉलीवुड के ज़रिए होता है या कोई कोई प्रोपेगेंडा हो गया या कुछ हो गया, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। तो मैं चाहता था कि वो एक ऑथेंटिसिटी जो एक यूट्यूबर या एक कॉन्टेंट क्रिएटर दे सकता है अपने कॉन्टेंट में वो नज़र आएगी। एंड आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन, बट आई वॉज हैप्पी कि इट वॉज़ यू दोनों मुल्कों में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने वो साइड दिखाई इन दोनों मुल्कों की जिसने लोगों को मज़ीद करीब किया। तो इंडिया जब आपका फिर वीज़ा आया, कहाँ से स्टार्ट किया? खैर वो तो लोगों ने आपकी सीरीज़ देखी हुई है, लेकिन आप जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको देखनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ देयर नॉलेज, कहाँ से स्टार्ट किया और देन पॉइंट टू पॉइंट बताइए ज़रा। देखिए जुनेद भाई, सफ़र तो उसी टाइम स्टार्ट हो गया था जब मेरे पास वीज़ा आया। और मैं ऑनेस्टली आपको वो फीलिंग जो है ना वो बयान नहीं कर सकते कि जब वीज़ा मिला तो उसके बाद मुझे ये लगा कि यार फेक तो नहीं है। तो मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा एप्लीकेशन नंबर वो सारी चीज़ें डाल के देखी, तो नीचे लिखा हुआ था जी ग्रांटीड, इतने दिनों का ये वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने जो है वो फैमिली को फ़ोन किया, फ्रेंड्स को फ़ोन किया, अच्छे अच्छे दोस्तों को, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मतलब आप वो नहीं होते, एक वो बच्चों की तरह खुशी होती है आपको, क्योंकि मुझे लगता था मैं पूरी दुनिया देख लूँगा, इंडिया नहीं देख पाऊँगा। मुझे ये लगता था कि यार ये मेरी बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप एक ऐसा मुल्क ना देख पाएँ जो ऑलरेडी एक दुनिया है पूरी। क्योंकि जितने वहाँ पे कल्चर्स और हिस्ट्री और वो रिलीजन और उसके अलावा वो जो एक वेरिएशन और डाइवर्सिटी है ना उस मुल्क में, वो हार्डली किसी और जगह पर आपको मिलेगी। तो ओमान से मैंने फिर अपनी जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना दुबई गया, दुबई से फिर मैंने अपनी बाइक जो है वो शिप की केरला के लिए। पहला मेरा इरादा था कि मैं इसको ना मुंबई लेके जाऊँ, लेकिन मुंबई की जो कस्टम क्लियरेंस है वो टाइम लेती है। तो मुझे बताया गया था कि आप इसको केरला ले जाएं, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस जो है वो जल्दी हो जाएगी, मुझे शिपिंग कंपनी भी अच्छी मिल गई। तो वहाँ से ये जो है वो सफ़र फिर मेरा जो है वो बाइक राइड का स्टार्ट हुआ। कुछ दिन मैंने केरला में गुजारे, केरला से आगे कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे तमिलनाडु में तो मैंने सिर्फ जो है वो गुजरे ही हूँ, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लैंग्वेज बैरियर हुआ आपको वहाँ पे? नहीं, एज सच नहीं, क्योंकि हमेशा जो है वो इंग्लिश में जिन, हाँ इंग्लिश तो खैर। उसके अलावा एक चीज़ है कि केरला में ना, क्योंकि आपको पता है कि आप मिडिल ईस्ट जाएँ तो बहुत ज़्यादा केरला की पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट में है, फिर वो पूरी पट्टी जो कोस्ट के साथ साथ है ना, या तो उनके बिजनेस होंगे मिडिल ईस्ट में या वो जो है दूसरा जो है क्या उसे कहते हैं एक बॉलीवुड की वजह से भी ना कुछ ना कुछ लोगों को ना वो आती है। फिर मोस्टली जो मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू जो है ना उनको एटलीस्ट गुजारा ज़रूर करते हैं, मतलब बहुत सारे मोस्टली वो तो आती है, लेकिन जिनको नहीं आती थी वो गुजारा ज़रूर करते थे। तो अगर हिंदी उर्दू नहीं तो आपका ना इंग्लिश से चल जाता था, बहुत ही कम होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जगह वो जो है ना वो नारियल का पानी लेने खड़े हो तो हो सकता है उसको ना आती हो, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश होते थे देख के आप कहाँ से आए हो, इशारों शुरू से ना सब काम चल जाता था। तो कोई ऐसा लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ था। उधर से हम आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो नीचे मुंबई की तरफ, गुजरात, राजस्थान,
यूपी आगरा गया, वहाँ से दिल्ली और फिर जो चंडीगढ़ पंजाब से होते हुए फिर वाघा बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ईद उल अज़हा तक आप करोड़पति बन सकते हैं तो हो जाएंगे ना ईद की खुशियाँ दोबारा? जानना चाहते हैं। नहीं जा पाया। सही। और वहाँ से फिर मैं आगे आ गया था, ये तमिलनाडु को क्रॉस करते हुए मैसूर की तरफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक दो जगह हमने विजिट की और इसी तरह जो है महाराष्ट्र, गोवा, गोवा में भी एक ही दिन गुजारा साउथ गोवा में। पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इंडिया को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया। बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक वो जो आपका फर्स्ट टेस्ट होता है ना, मुझे इंडिया का बस वही मिला है कि यहाँ पे क्या कुछ जो है वो बंदा कर सकता है। तो गोवा में आपने एक ही दिन गुजारा? गोवा में हाँ एक ही दिन गुजारा था। सही। फिर उसके बाद आप गए महाराष्ट्र? गोवा से हम गए थे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोल्हापुर सिटी है वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे रुकना नहीं था एक्चुअली। अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल वहाँ की होती है? हाँ, कोल्हापुरी चप्पल में मुझे गिफ्ट भी मिला है वहाँ पे। एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले बड़ी अच्छी लंबी छोड़ी ईमेल आई थी और पूरी फैमिली की कि हम जो है ना, और पता उन्होंने ना सिर्फ मुझे ईमेल की, उन्होंने वही ईमेल और जिन लोगों को मैं रास्ते में मिल रहा था ना, जिनकी मैंने स्टोरीज शेयर की थी, उनको भी की थी। बड़ी। तो होता ये कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो सारा दिन तो आपको अक्सर मौका नहीं मिलता कि आप सारी चीज़ें देख सके, तो मैंने उनकी ईमेल देख ली थी। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे कर दिया था रब्ता कि ये एक फैमिली है, ये आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा कि मैं इस दिन इस टाइम के आसपास ना कोल्हापुर से गुजरूंगा। तो वो फिर उनके जो है वो सिंधी कम्युनिटी वाले थे, तो उनके कुछ जानने वाले भी जो है ना वहाँ पर इकट्ठे हो गए मेरे लिए सिंधी बिरयानी घर से बना के ले। और क्योंकि कहते हैं कि हमने सोचा अबरार भाई किधर रास्ते में जो घर का खाना मिला होगा, तो इंतज़ार कर रहे थे मेरे वहाँ पे। हमने बैठ के वहाँ पे खाना खाया, तो वो प्लान ये था कि मैं आधा पौना घंटा रुकूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे 4-4.5 घंटे रुक गया। और मुझे ये लगता है कि यार लोग इतना प्यार लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। फिर हम रात जो है ना वो कोल्हापुर में रुक गए, तो कोल्हापुरी चप्पल भी वो लेके आए थे मेरे लिए। अच्छा, तो इतना अगर जैसे कि अगर आप गिफ्ट, आपने ऑब्वियसली आप बाइक में हैं, लिमिटेड सामान ही रख सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लें तो क्या करते हैं आप? जुनेद भी बहुत इशू होता है, है ना? उसकी ये रीज़न होती है कि कुछ लोग जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं। अब वो आप कितनी को खा सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कहते हो कि यार ये फैमिली के लिए लेके जानी चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें एज ए सोविनियर। तो खाने पीने की चीज़ें अक्सर ख़राब भी हो जाती थी। फिर मैंने एक वहाँ पे लड़का हायर किया था अपने साथ, उसके साथ बैग्स के अंदर डाल दो या अपने बैग्स को, तो हमने कोशिश की है कि मोस्टली फिर जो चीज़ें रस्ते में खाने पीने की ख़राब होगी वो छोड़ दी उधर। नॉर्मली ये था कि मिडल ईस्ट में तो मैं वहीं पर छोड़ आता था, फिर किसी बंदे को कहा कि यार जब तू जा रहा हो सामान लेता जाए, लेकिन इंडिया में वो ऑप्शन एक नहीं थी। हाँ। तो फिर उसको हमने जितना लेके जा सकते थे और जितना हम वहाँ पे खा सकते थे तो हम फिर रोज़ जो है वो उसको खाते थे, ख़त्म करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। और इसका फिर फ़ायदा ये होता था कि अगर हम कभी किसी जगह पे ब्रेक लेते हैं ना तो हम सामान खोलते थे और दूसरों को भी कहते थे कि आप आए हमें ज्वाइन करें, फिर वो खुल के आपसे बात भी करते थे। तो इस तरह जो है वो फिर आप। अच्छा, आपने जो लोकल टीम हायर की थी वो थ्रू आउट द टूर आपके साथ थी? एक्चुअली एक ही बंदा था, एक ही बंदा था। और वो कैसे ट्रैवल कर रहा था? अगर आप बाइक पे था, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बाइकर हो। मुझे ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरामैन हो या फोटोग्राफर हो या कोई भी, ये था बाइकर हो। बाकी मैं संभाल लूँगा कि अगर वो सिर्फ कैमरा को पकड़ भी ले या मैं खुद ही कैमरे से सारा करता रहूँ तो एटलीस्ट सपोर्ट होगी मेरे साथ ना। तो वो इसलिए मैंने जो है वो हायर किया था। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता है कि साउथ के जो एक उनका नेचर है ना, एक तो वो बड़े धीमे से हैं और दूसरी ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी थी कि बहुत सारे लोगों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आजकल हर मीडिया बंदे का अपना सोशल मीडिया है, तो उनको होती कि हम अपने आप को प्रमोट कर लें। उसको ये नहीं था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मतलब जो भी कंटेंट बनता था मैं कहता था कि तू भी भाई इसमें से जो मर्जी तेरा दिल करता है अपलोड कर ले। लेकिन उसको ये नहीं होता था कि मैंने अपने सोशल मीडिया के करना है। तो मेरे लिए वो एक आइडियल मतलब एक अच्छा डिसीजन था उसको साथ रखना। और बाइकर था तो जितना मर्जी हम रात को 12 बजे भी अगर किसी जगह पहुंच रहे तो वो साथ चल रहा है, और वो अच्छा राइडर था, ये बड़ा एडवांटेज था। वैसे ये बहुत बड़ी बात है, वरना होता ये है कि अगर कोई आपको ऐसे सेलिब्रिटी या कोई आया है ना तो जो दूसरा होता है ना तो साथ होता है, वो कहता है यार मैं अपना जुगाड़ निकाल लूं, इसने तो चले जाना, मैं इसके चक्कर में वायरल हो जाऊं, ये कर लूं। लेकिन बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है।
मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ इस पर, इनफैक्ट मैं वीडियो भी काफ़ी अर्से बनाना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर पर लोग जो मिडल ईस्ट में रहते हैं या जिनका मिडल ईस्ट आना जाना रहता है, कि अगर आपने वर्क एथिक देखना है ना तो आप साउथ इंडियंस का देखें। देयर इज़ अ रीज़न कि आपको पूरे मिडल ईस्ट में लुलू हाइपर मार्केट नज़र आएगी, कोई सिद्दीक हाइपर मार्केट नज़र नहीं आएगी। जुनेद भी, उसके अलावा बांग्लादेशी लोग, हाँ नो डाउट, वो बड़े मेहनती लोग हैं। मिडल ईस्ट में अगर 50-55 डिग्री भी होगा ना, हाँ भाई, तो आपको वहाँ पे इवन साउथ पंजाब, हमारे साउथ पंजाब के लोग जो लेबर तबका है, वही पूरा मिडल ईस्ट खड़ा किया है हम तीन मुल्कों के लेबर ने, तो गर्मी बर्दाश्त करने का तो जो स्टैमिना चीज़ देखी है कि मोस्टली जो हार्ड काम है ना, ये कंस्ट्रक्शन वाले, ये हमारे पठान भाई कर रहे थे, ये सराय की, हाँ। उसके अलावा जो ये दूसरे होते हैं ना, कि अगर कोई जिसको सफाई वाला को काम हुआ, या ये दूसरे नहीं हो गए रेस्टोरेंट में क्या उसे कहते हैं, सर्विस स्टाफ, हाँ सर्विस स्टाफ, वो आपको मिलेंगे मोस्ट, क्योंकि वो अगर जितना भी बुरा दिन उनका चल रहा होगा ना, बड़ी खुशी से बात करेंगे। तो ये हमें शायद, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड है, हाँ वो थोड़ा सा गुस्से के तेज़ हैं, तो जब गुस्से के आप तेज़ होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। हाँ, मेरा जो तजुर्बा रहा है वहाँ पे, साउथ इंडियंस के साथ मैंने काम भी किया है, शेयर भी किया है अपार्टमेंट, और मतलब ज़ाहिर आपकी डेली डीलिंग्स में अगर आप बकाला जा रहे हो ग्रोसरी वगैरह करने, तो रोज़ाना का एक ताल्लुक भी रहा है, लाइक स्वीटेस्ट पीपल एवर। तो ये आपने अच्छी बात बोली कि जो आपके जो साथ थे उनको ये नहीं था कि मेरी सेल्फ प्रमोशन, क्योंकि मुझे ये एक साहब याद आ रहा है, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, अभी हम मिले ही हैं और हर आधे घंटे बाद आपको स्टोरी पर टैग किया, ज़रा रीशेयर कर दें। उसका पूरे दिन का मकसद ये था कि मैं रीशेयर करता जाऊं, क्योंकि उसने बोला यार ये बकरा हाथ लगाए, तो आज इसको जितना उसका जूस निकाल लूं मैं गन्ने की मशीन में डाल डाल के। तो वो कभी कभी अनोइंग हो जाता है यार, कि भाई ना सिर्फ अनोइंग होता है बल्कि ये होता है कि वो एक आपके वर्क एथिक्स के भी ख़िलाफ़ होता है, कि अगर आपको एक बंदा हायर कर रहा है तो आप उसका जो है वो अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, आप उसके साथ सही से काम करो ताकि दोबारा कभी आप मिलो ज़िंदगी में तो वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करे और वो कहे कि यार मैंने इसी बंदे के साथ काम करना है, पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मैं भी अक्सर भी इंटरव्यू अगर करता हूँ अपनी टीम के लिए तो मैं, और यही बात है, और उस बंदे की आप देखें कि जो इन्होंने साथ हायर किया हुआ था वो साउथ का था, इंडिया से, साउथ इंडिया से, और आज यही वजह की इधर बैठ कर उनकी उसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में गलत पढ़ाया जाता है, इंडिया में भी लोगों को पाकिस्तान के बारे में गलत पढ़ाया जाता है, गलत एजुकेट किया जाता है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग आए इधर, इंडिया वाले जब पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान वाले जब इंडिया जाते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि यार पब्लिक का प्यार कैसा है और लोग कैसे हैं एक दूसरे के साथ। और बाकी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां देना, ये करना, वो तो हमें सिखाया गया है, कहाँ से ये कहाँ से सीखते हैं जी, हम न्यूज से सीखते हैं कि न्यूज में इंडिया के बारे में इधर बुरा बोला जाता है, वो नफरत एक फैलाई जाती है, उधर उनका मीडिया जो है, उनके मीडिया को देखो तो हमें लगता है कि यार कॉमेडी हो रही है, मतलब कॉमेडी हो रही है, वो भी कॉमेडी कर रहे हैं। तो एक दूसरे, दोनों मीडिया जो है उनको अपनी टीआरपी चाहिए, उन्होंने अपना मतलब भड़काओ ये, और एक चीज है, अच्छा एक चीज नोट की है, लोग पता नहीं इंटरेस्ट भी ऐसी न्यूज में ज्यादा लेते हैं जो धमाकेदार हो, कुछ ऐसी गर्म हो, मसालेदार मसाले वाली, बिल्कुल। और जो प्यार मोहब्बत की जहाँ पर बात हो रही है तो लोग वो सुनते नहीं, वो इग्नोर कर देते हैं, कहते नहीं। तो ये चीजें हैं कि शुरू से एक्चुअली वो चीजें बताई गई, बिल्कुल शुरू से मिल गया ना मसाला। अगर इंडिया जाए ना लोग तो मैं कहता हूँ उधर से बहुत प्यार मिलता है, लोग जब वापस आते हैं ना, कभी ये नहीं सुना कि यार हम इंडिया गए हैं तो उधर से हमें कोई नेगेटिविटी मिली है। भाई आप ये देखो कि पाकिस्तानी तो बहुत रेयर केसेस हैं कि वो इंडिया में जाते हैं, लेकिन आप ये देख लो कि आपके सामने बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, और उनके आप देख लो कि अभी वो पंजाबी ट्रेवल कपल वाले आए थे, उसके अलावा कुछ एक्टर भी होकर गए हैं, जैसे कि गिप्पी ग्रेवाल है, बहुत सारे लोग जो हैं वो होकर जाते हैं इधर से, तो उनको देखो कि क्या यार उनको यहाँ पर लोग जो है वो प्यार देते हैं, तो ये चीजें जो है पब्लिक तो प्यार करती है भाई। बाकी चले जी, ये था वीडियो जिसमें हमें बोला गया था कि आप जरा चेक करें इब्रार की बातें, तो इब्रार वाकई बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे,
कि इंडिया में जो उनका सफ़र है वो कैसा रहा और उन्होंने क्या किया और उनको कैसा प्यार मिला। पहली दफ़ा जब मेरा वीज़ा आया तो मुझे यकीन ही नहीं आया। नहीं होता बिलीव आपको कोई और मुझे वीज़ा मिल गया इंडिया का, वो भी इंडिया का, स्पेशली इंडिया के बारे में। और वो बहुत होता है, आई थिंक उनको ड्यूल नेशनैलिटी थी उनके पास, उस वजह से उनको मिल गया वीज़ा। अगर अकेला पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हैं तो वो वेरी डिफिकल्ट। तो चलें जी बाकी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। वी होप यू एंजॉयड। तो रखें अपना ख्याल। गुड बाय, टेक केयर।